नियमों से लेकर रीति रिवाजों तक धर्मशास्त्रों के अनुसार एक प्रण एक व्रत जो कि पति की लंबी आयु व स्वस्थ सुखी जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। पूरा दिन कड़े प्रण से बिना अनुजल के निर्जला व्रत रखकर नियमों के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। जी हाँ, बात हो रही है करवा चौथ की, सुहागिनों के त्योहार की, जिस पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और उसके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हुए पूरे दिन बिना अनुजल के निर्जला व्रत रखती हैं। हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती यानी कि सुहागिन महिलाएं मनाती हैं। सवेरे सूर्योदय से पहले लगभग 4 बजे से आरंभ होकर रात में चंद्रमा दर्शन के उपरांत संपूर्ण होता है। करवा चौथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी कि चतुर्थी। करवा चौथ व्रत में मिट्टी के बर्तन यानी कि करवे का विशेष महत्व है, साथ ही चौथ माता की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी के जैसे दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत अधिकतर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन अधिकतर स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कर्क चतुर्थी यानी कि करवा चौथ व्रत करने का विधान है। करवा चौथ का व्रत काफी कठिन माना जाता है। माना जाता है कि सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति के जीवन पर मंडरा रहा हर संकट दूर हो जाता है। साथ ही पति पत्नी के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। अब सवाल यह है कि इस व्रत की शुरुआत कहाँ से हुई। नियमों से लेकर रीति रिवाजों तक धर्मशास्त्रों के अनुसार तो यह व्रत अनादि काल से रखा जा रहा है। इसके पीछे दो कहानियां प्रचलित हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ व्रत रखने की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु जाति वर्ण संप्रदाय की हो, सबको इस व्रत, जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहें वे जीवन भर इस व्रत को रख सकती हैं। दरअसल एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया। देवता युद्ध में हारने लगे तो वे रक्षा की गुहार लेकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। तब ब्रह्मदेव ने संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों से कहा कि वे अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखें और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करें। यह देवताओं को युद्ध में जीत दिलाएगा। इसके बाद देवताओं की पत्नियों ने करवा चौथ व्रत रखा और देवताओं की युद्ध में जीत हुई। उसी समय चांद भी निकल आया था और तभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला था, इसलिए चांद देखकर व्रत खोलने की परंपरा है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।